12 बच्चों वाली माँ। एक बड़े से जंगल में ममता नाम की चिड़िया अपने पति राजेश चिड़े के साथ रहती थी। ममता चिड़िया की शादी को काफी समय बीत चुका था, लेकिन ममता चिड़िया की अभी तक एक भी संतान नहीं थी, जिस वजह से ममता चिड़िया को सबके बहुत ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन ममता चिड़िया अपने घर का काम कर रही थी, तभी ममता चिड़िया की सास की बहन घर आती है। अरे मौसी जी, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आए? आइए ना, बैठिए। हाँ तो क्या हुआ, सुबह सुबह तो ऐसे बोल रही है जैसे मुझे अब तुझसे समय पर पूछ कराना पड़ेगा। वैसे भी मेरी बहन का घर है, जब जी चाहेगा तब आऊंगी, तुझे उससे क्या? अरे नहीं मौसी जी, मेरा वह कहने का मतलब नहीं था। मैं यहाँ तेरा मतलब समझने नहीं आई हूँ। चल जा जाकर राजेश को मेरे पास भेज, मुझे उससे बात करनी है। जी मौसी जी, मैं अभी अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। ममता चिड़िया अपने पति राजेश चिड़े को बुलाने के लिए कमरे में आती है। अजी सुनिए, कोमल मौसी जी आई हैं, आपको बुला रही हैं। मौसी जी फिर से आ गई, अब मुझे मौसी जी से बड़ी चिढ़ होने लगी है, फिर से वही सब रट लगाकर बैठेगी। चलिए ना जल्दी, वरना वे फिर मुझे ही डांटेंगी कि तुम बुलाने गई थी और अभी तक बुलाकर नहीं लाई। राजेश चिड़ा ममता चिड़िया के साथ कोमल चिड़िया के पास आता है। नमस्ते मौसी जी, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आज यहाँ कैसे? तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, तू बस मेरी बात मान जा और दूसरी शादी कर ले, ताकि कम से कम मेरी मरी हुई बहन की आखिरी इच्छा तो पूरी ही हो जाए, क्योंकि तेरी बीवी तो बांझ निकली, ये तो तुझे बच्चा दे नहीं पाएगी। बस करो मौसी जी, फिर से वही बातें मत सुर किया करो, मुझे तुम्हारी ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और मैंने तो तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, और माँ से भी मना करता था कि मैं अपनी ममता को छोड़कर दूसरी शादी नहीं करूँगा, और मौसी तुम मेरी ममता को बांझ करना बंद करो, और आज के बाद मैंने कभी तुम्हारे मुँह से सब सुना तो तुमसे सारी रिश्तेदारी खत्म कर लूँगा। हाँ कर ले मुझसे रिश्तेदारी खत्म, वैसे भी तेरी बीवी यही तो चाहती है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाए और ये आराम से मेरी बहन के घर में बैठकर राज करे। मौसी जी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तू चुप कर, मैं अपने भांजे से बात कर रही हूँ। देखिए मौसी जी, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं अपनी ममता से बहुत प्यार करता हूँ, और रही बात बच्चों की, तो जब भगवान हमें बच्चे देने होंगे दे देंगे, अभी आप मेरे घर से चली जाइए। हाँ हाँ तो मुझे भी कौन सा शौक है तेरे घर में रुकने का, बड़ा आया मुझे भगाने वाला, जा रही हूँ और देखती हूँ कैसे तेरी ये बांझ पत्ती तुझे बाप बनाती है। इतना बोलकर कोमल चिड़िया ममता चिड़िया के घर से बाहर निकल जाती है। मुझे लगता है मौसी जी सही कह रही थी, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी और ना ही आपको पिता बनाने का सुख दे पाऊंगी। अरे ममता, तुम मौसी जी की बातों को लेकर कहाँ बैठ रही हो, छोड़ो इनकी बातों को, और हम आज शाम को जब मैं काम से वापस आऊंगा तो हम लोग बाहर कहीं घूमने चलेंगे, तुम तैयार रहना। इतना बोलकर राजेश चिड़िया काम के लिए निकल जाता है और ममता चिड़िया घर का सारा काम करती है, और शाम को जब राजेश चिड़िया वापस आता है तो दोनों घूमने के लिए बाहर जंगल में चले जाते हैं। क्या बात है, आज आप बड़े ही खुश लग रहे हैं, और हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं? हाँ ममता, आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, मेरे मालिक ने मेरे प्रमोशन कर दिया है, इसलिए तो हम घूमने आए हैं। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। राजेश चिड़िया और ममता चिड़िया जंगल घूम रही थी कि तभी वहाँ एक बड़े से पेड़ के पास एक घोंसले में चार बच्चे थे जो जोर जोर से रो रहे थे। ममता चिड़िया जैसे ही उन बच्चों की रोने की आवाज़ सुनती है, ममता चिड़िया नरमी से, अजी सुनिए ना, देखिए उस घोंसले में चार बच्चे हैं और उनकी माँ कहीं दिख नहीं रही है, बच्चे कितनी जोर जोर से रो रहे हैं, चलिए ना हम उनके पास चलते हैं। ममता चिड़िया राजेश चिड़िया के साथ जाती है। बच्चों तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम लोग क्यों रो रहे हो? अंकल हमारे मम्मी पापा 3 दिन पहले आंधी में मर गए, और तब से हम लोग यहीं भूखे प्यासे बैठे हैं, जंगल का कोई भी पक्षी हमारी मदद के लिए नहीं आया, मेरे 3 और भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, वरना जंगल का बाज मेरे भाई बहनों को उठा ले जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग रोना बंद करो और हमारे साथ हमारे घर चलो, आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। सच में राजेश, हम इन चारों बच्चों को अपने साथ घर ले जा सकते हैं? हाँ हम इन चारों बच्चों को अपने घर ले जाएंगे और इनका पालन पोषण करेंगे कि कोई भी तुम्हें बांझ नहीं कहेगा, ना ही मौसी जी बार बार मेरी शादी करवाने के लिए कहेंगी। राजेश सोचो, जंगल में और कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप आंधी तूफान या बाढ़ में बह गयी होंगी, तो उन बच्चों का क्या होता होगा, वे बेचारे भी तो इसी तरह रोते होंगे, है ना?
हाँ, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। ममता चलो जंगल में, जिस भी बच्चे के माँ बाप नहीं होंगे हम उन्हें गोद ले लेंगे, ताकि कोई भी जंगल के बच्चा अनाथ ना हो। राजेश चिड़ा और ममता चिड़िया जंगल के हर तरफ ढूंढते हैं तो उन्हें ऐसे कई अनाथ बच्चे मिलते हैं। राजेश और ममता उन सबको अपने घर लेकर आ जाते हैं। तभी राजेश का पड़ोसी मिंटू तोता राजेश चिड़ा के साथ इतने सारे बच्चे देखकर पूछता है, अरे राजेश भाई साहब, ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? ये सारे बच्चे जंगल के अनाथ बच्चे हैं, और इन सब ने हाल में ही अपने माँ बाप को खो दिया है, इसलिए बच्चे हमारे साथ रहेंगे। भगवान ने हमें आज तक एक संतान नहीं दी थी, इसलिए भगवान ने हमें इतने सारे बच्चे एक साथ दे दिए, और अब मेरी ममता को कोई बांझ नहीं कहेगा। चलो अच्छी बात है राजेश, मैं तुम्हारी और भाभी जी के लिए बहुत खुश हूँ। पहले तो भगवान ने तुम्हें एक भी संतान नहीं दी थी, और अब देखो तुम्हारे एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 बच्चे एक साथ भगवान ने दे दिए। हाँ, अब मुझे भी माँ कहकर ये सारे बच्चे पुकारेंगे, और अब कोई भी मुझे बांझ नहीं कहेगा। मैं अपने 12 बच्चों को बहुत प्यार करूँगी। ममता को इतना खुश देखकर राजेश चिड़ा भी काफी खुश हो जाता है, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ममता चिड़िया की सहेली रूपा कबूतरी ममता के पास आती है। अरे ममता, मैंने सुना है कि तू एक साथ ही 12 बच्चों की माँ बन गई है। पूरे जंगल में पता है तुझे सब 12 बच्चों की माँ कहकर बुला रहे हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ तुझसे मिलने चली आई। जंगल में जो सब लोग तुझे 12 बच्चों की माँ कहकर बोल रहे हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने और राजेश ने मिलकर जंगल के सभी अनाथ बच्चों को गोद ले लिया है, और अब वे बच्चे मेरे हैं। पूरे जंगल में 12 अनाथ बच्चे हमें मिले, और हमने उन सबको अपने पास रख लिया। 12 बच्चों को एक साथ कैसे पाल पाओगी तुम ममता? और गोद लिए हुए बच्चे तो अपने कहाँ होते हैं? अगर तुम्हारा अपना एक बच्चा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वह तो अपने मानने के ऊपर होता है। मैं अगर इन्हीं बच्चों का अपना बच्चा समझकर पाल लूंगी तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है भगवान ने मुझे इसलिए आज तक कोई संतान नहीं दी, और मैं अपने सभी 12 बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। और आगे भी अगर जंगल में मुझे कोई अनाथ बच्चा मिलेगा तो मैं उसे भी पाल लूंगी। लेकिन पता है, घर में अब सब लोग तुम्हें ममता चिड़िया नहीं बल्कि 12 बच्चों की माँ कहकर बुलाने लगे हैं। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी, इसलिए तो मैं तुझे बताने आई थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, मैं हूँ 12 बच्चों की माँ, और मुझे इस बात पे जरा भी शर्म नहीं है। ममता चिड़िया को जंगल के सभी लोग 12 बच्चों की माँ कहकर बुलाने लगते हैं, और ममता इस बात से बड़ी ही खुश रहती है, और खुशी खुशी अपना जीवन अपने पति और 12 बच्चों के साथ बिताने लगती है।